सहज योग कोई आज की चीज नहीं है, हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और ज्यो माने जन्मा हुआ। ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है, माने जैसे एक जीवंत क्रिया है। ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए, तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया, हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने, जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं और ये सारे आंख नाक मुंह जीभ सब जो कुछ भी है उसको चालित करती हैं, कंठ को भी चालित करती हैं। इस चक्र को बहुत से लोग इसलिए भी खराब कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग से या ज्यादा बोलने से, कोई लोग कम बोलने से, मौन रहने से, ऐसे अनेक चीजों से चक्र खराब हो जाता है। और सबसे ज्यादा ये मंत्र बोलने से, गलत मंत्र बोलने से बहुत ज्यादा ये खराब हो जाता है। उसकी वजह से लेफ्ट साइड जब पकड़ जाती है तो यहाँ का ये, आप जब ये सोचते हैं कि मैं बहुत दोषी हूँ, मैंने वो गलती की, तब ये चक्र पकड़ते हैं। जब ये चक्र आप पकड़ते हैं तो इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है आपको, और भी अनेक बीमारियां हैं जो कि इस चक्र से, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस चक्र से। राइट साइड के चक्र से आपको जुकाम हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी, आपका आवाज जो है वो बुढ़ाई जाएगा जल्दी, और बोलते वक्त में आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कोई कोई लोग तो एकदम कुछ दिनों बाद एकदम मौन ही ले लेते हैं, इतना ज्यादा ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन इसके आगे की दिशा ये है कि अगर आप एक ही मंत्र को बहुत बोलते रहे, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, इन लोगों को यहाँ का थ्रोट का कैंसर हो जाता है। इस तरह के मंत्र बोलने से थ्रोट का कैंसर हो जाता है और फिर उसकी जो आगे चीज बढ़ती है तो वो फिर हो सकता है कि सारे शरीर में फैल जाए। पहले उस चक्र पे ही गति करती है कैंसर की और उसके बाद में दूसरे चक्रों में भी ये उतर सकता है। अब ये विशुद्धि चक्र जो है ये वैसे तो बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमारे हाथों का संबंध है और इन्हीं हाथों में आप इसका एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ, इसका आप एहसास कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र आपका खराब होता है तो हालांकि आप कहते हैं माँ हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत रिलैक्स्ड हो गए, आराम मिला, ये हाथ में नहीं महसूस होता। इसकी वजह ये कि ये आपका चक्र खराब गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और भी गिल्टी फील करें, और भी बुरा समझें, इसका मतलब ये कि उसे ठीक कर लेना, जो भी दोष है उसे आप ठीक कर लीजिए। बहुत अहंकारी मनुष्य का भी राइट साइड पकड़ जाता है, जो बहुत वलगना करता है, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, ऐसे मतलब हवाई घोड़े पे जो बैठे होते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है और उसके भी अनेक विध तकलीफ और परेशानियां उसके सामने आ जाती हैं। कुंडलिनी जब उठती है तो किसी किसी की इतनी सुंदर कुंडलिनी होती है कि एक क्षण में उठकर जम जाती और उसके बाद उनको कोई बीमारी ही नहीं आती। एक तो यह हुआ, उसके बाद दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कुंडलिनी उठती तो है पर बार बार गिर जाती। ऐसे लोगों को कुंडलिनी बार बार उठा करके जगाना चाहिए क्योंकि यह कुंडलिनी की जो शक्ति है यही आपका इंजेक्शन, यही आपकी दवा, यही आपका धन्वंतरी, यही आपके डॉक्टर, यही सब कुछ। अगर ये शक्ति आपके अंदर बहेगी नहीं तो हमारे हाथ कैसे चलेंगे। और तीसरे लोग हैं जिनकी की कुंडली जमी बैठी है, वो उठती ही नहीं, ऐसे लोगों को ठीक करना कठिन जाता है। श्रद्धावान लोग जो होते हैं
जो कहते हैं हाँ थोड़ा सा हमारा फर्क आ गया, ठीक हो रहा, उन पे कुंडलिनी चलती। बहुत से लोग हैं, हमने बहुतों को ठीक किया, बीमारियां ठीक करी, लेकिन हमने देखा ये कि उनमें से बहुत कम लोग सहयोग में उतरते हैं। आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा जो है वो भी समझदार है, और ऐसे दीप क्यों जलाए जो प्रकाश न दे। ऐसे दीप को जला के फायदा क्या समय बर्बाद करके, कि जो सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने आते हैं। ऐसे बहुत से पहलवान भी हैं जो मेरे पास आते हैं कि माँ हमें शांति दो, क्या तंदुरुस्ती ठीक होने से सब कुछ हो जाएगा? फिर एक चक्र ठीक होगा फिर दूसरा खराब होगा, आज एक बीमारी होगी फिर कल दूसरी होगी, रात दिन मैं क्या यही करती रहूं? एक तो पूर्व पुण्याई भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब वो सहज योग में आते हैं तो हमारे ऊपर वो उपकार करे जा रहे हैं। ये नहीं समझते कि हमारा ये अहोभाग्य कि आज हम आए, हमारी कुंडलिनी जागृत हुई और हमने इसे प्राप्त किया। जब मनुष्य ये समझ लेता है तभी परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, न कि अहंकारी मनुष्य को कि हाँ भाई हम तो खास करके इसीलिए आए, जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। उपकार परमात्मा का हमारे ऊपर है, उनके ऋणी होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें यह समय दिया कि हम इस चीज में आए, अब हम तुम्हारे दरवाजे आए। सिर्फ बीमारी ठीक करने वाले जो आते हैं उसमें हमारा चित्त जाता ही नहीं। हाँ यह है कि जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब कुंडलिनी उठ जाती है तो जो जो बीमारियां जो ऊपरी बीमारियां हैं ये सब ठीक हो जाती, लेकिन वो कुंडलिनी को जमाना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। कोई फल है जल्दी पक जाता है और कोई पकता ही नहीं और कोई सड़ा ही होता है। इसलिए कुंडलिनी का जागरण करके उसे कहाँ रोकना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए, कौन से चक्र में दोष है, क्या चीज करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और जब कोई आपको कोई बताता है उसी प्रकार आप करें, समझदारी से। अब कंठ में श्री कृष्ण का चक्र। इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है, योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है। तो आप उनकी कहानियां जानते हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं, कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठकर के आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं, ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके उसका हल इससे बाहर निकलने पर ही होता। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं, उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है इसमें भी दो हिस्से हैं, एक को जैसे लेफ्ट कहें और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है, वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े
कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा, यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं रहती, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं तब भी ये चक्र पकड़ जाता, या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता होगा था तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती है। रात दिन कभी पत्नी कभी पति कभी घर कभी समाज, किसी भी औरत में ये हमेशा भरते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी उनकी पत्नी जो थी वो उनकी शक्ति थी। 5 शक्तियां वो और 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यह मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहां पे अपना धंधा शुरू किया और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की दुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन हैं, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए, उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाता। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी जल या चीनी इस तरह की चीजें दे करके किया जा सकता है। विशुद्धि चक्र जो है श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें 16 कलाएं हैं। इसी प्रकार 16 सब प्लेक्सस जिसको कि हम पंखुड़ियां कहते हैं हमारे अंदर,
और जो कुछ भी हमारे अंदर अ आ इ ई उ ऊ ए आई आदि जितने भी हमारे अंदर जिसे वॉवल्स कहते हैं वो हैं, वो सारे इसके बीज मंत्र। जिस वक्त आप कोई गलत मंत्र कहते हैं तो वो मंत्र के वजह से कोई गलत इंसान का की प्रेतात्मा यहाँ के बैठ जाती है। जब आप गलत पूजन करते हैं, गलत तरीके से आप किसी भी मेडिटेशन को या किसी भी गलत गुरु के पास जा करके और दीक्षा लेते हैं तो ये आपका चक्र पकड़ जाता है। ये चक्र पकड़ जाने से आपको अनेक बीमारियां होती हैं, उसमें से विशेष कर जो बीमारी होती है जिसे हम थ्रोट कैंसर कहते हैं, जो आपके कंठ के पास शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नीचे की ओर बढ़ता हुआ सारे आपके लंग्स को पकड़ लेता है। ये थ्रोट कैंसर उन लोगों को होता है जो बहुत से नाटक भी करते हैं भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर पागल जैसे कर्ज बांध लिया, सर पे गले में कुछ पहन लिया और खिलाना शुरू कर दिया, अरे राम अरे राम अरे राम, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? परमात्मा अंदर है, सब कुछ अंतर योग है। बाह्य में इस तरह के अनेक नाटक करना, कभी कुछ तमाशा करना, कभी कोई दूसरा तमाशा करना, अंतर ही तो जान पड़ता है कि गलत काम कर रहे हैं और इसीलिए मनुष्य कभी कभी उसमें दोषी महसूस करता है। और कोई कोई लोग तो सभ्यता की दृष्टि से सोचते हैं कि हमेशा दोषी रहना ही अच्छा है, जैसे सवेरे उठिए उनसे बात करिए, माफ करो वो माफ करो वो माफ करो, भाई क्या हो गया, फिर क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक से तो बात करो। सवेरे से उनको यही लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। अंग्रेजी भाषा भी ऐसी है कि बोलते वक्त हमेशा आई एम अफ्रेड, भाई काहे के लिए अफ्रेड, आपसे तो दुनिया अफ्रेड है। 17 मरतबा आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी सॉरी है तो क्यों ऐसा काम करते हो? तो जिस आदमी में इस तरह की न्यूनता की भावना आ जाती है वो भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ लेता है। सहयोग में लेफ्ट विशुद्धि जब साफ होती है तो आश्चर्य होता है लोगों को कि माँ सब तरह के स्पॉन्डिलाइटिस, सब तरह की परेशानियां पता नहीं कहाँ भाग गई। और यह विष्णु माया का स्थान है, ये विष्णु माया का स्थान है जो कृष्ण की बहन है, जिनके बहन और भाई का विचार नहीं होता, जो दूसरी औरतों की तरफ गंदी निगाहों से देखते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, जिनमें वो पवित्रता की भावना नहीं होती है उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, तो वो जो गलत काम कर रहे हैं वो भावना अंदर बनती जाती है, कभी कभी झूठ मूठ में ही बनती है और कभी कभी सचमुच में बनती है, चाहे जो भी हो उसे निकालना बहुत आसान है। सबसे तो बुरी बात यह है कि सुबह से शाम तक बताया जाएगा तू बड़ा पतित है और मेरे लिए आप अगर 500 रुपया ला दीजिए तो मैं तुम्हारे पाप मोचन कर दूंगा, माने आपका पैसा मोचन होते ही आपका पाप मोचन भी हो जाएगा, और फिर रात दिन यही यही खोपड़ी में डाला जाता है कि तुम पापी हो तुम पापी हो, तो मनुष्य सोचने लगता है कि वाकई मैं पापी हूँ। इसमें मैं देखती हूँ कि कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग आते हैं उनकी लेफ्ट विशुद्धि हमेशा पकड़ी रहती है, क्योंकि उनको तो जाके कन्फेशन करना पड़ता है कि मैंने पाप किया, अब किया भी नहीं होगा तो भी करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस दिन चर्च में जाओ कहना ही पड़ता है। इस तरह की अजीब अजीब परंपराओं से भी मनुष्य इसको पाता है, गलत मंत्र कहने से हो जाता है, अनेक चीजों से लेफ्ट की शुद्धि पकड़ी जाती है, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से, सबसे लेफ्ट की शुद्धि पकड़ी जाती है। अब राइट की शुद्धि तो ऐसे लोगों की पकड़ती है कि जो बहुत जोर जोर से डांट के बोलते हैं, चिल्लाते हैं और बिगड़ते हैं, और जिनका गुस्सा बड़ा तेज होता है, और जो प्रेम से बात करना जानते ही नहीं, और जो बहुत ज्यादा भाषण देते हैं झूठ मूठ के, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, जिन्होंने आत्मा को पाया नहीं तो भी लेक्चर झाड़ते हैं, उनकी भी राइट विशुद्धि पकड़ती है। और राइट विशुद्धि जो है विठल का स्थान है, श्री विठल का स्थान है, इसको विठल के मंत्र से ठीक किया जा सकता है। इसे लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो जाती है जिससे राजगारी से संबंध है। बीच में श्री कृष्ण का स्थान है, इस वक्त कुंडलिनी श्री कृष्ण के स्थान पर स्थिर होती है, तब मनुष्य साक्षी होकर के उस योगेश्वर की लीला दिखती है। सारा संसार लीला में इसे इतनी हड़बड़ाहट की, घबराहट की, इतनी परेशानी की कौन सी बात है, ये तो सब नाटक हो रहा है, सब नाटक देखती है। इस नाटक को देखना ही मात्र बन जाता है। जब आप देखते हैं कि नाटक है, थोड़े देर तो घबराते हैं, उसके बाद जब स्थिर हो जाते हैं, आप स्थापित हो जाते हैं, तब आप जानते हैं ये नाटक है।
और इस नाटक को जान लेना आपके लिए बड़ा ही सुखदायी होता है, क्योंकि फिर जो स्थित प्रज्ञ की भाषा है जो श्री कृष्ण ने बताई है वो सिद्ध हो जाती है। कहना नहीं पड़ता कि अब आप परेशान नहीं हो, ऐसा आदमी परेशान ही नहीं होता। हमें यही आश्चर्य होता है कि लोग सब क्यों परेशान हो रहे हैं, परेशान होने से तो कोई बात होने नहीं वाली, तो क्यों परेशान हो, बेकार में क्यों बर्बाद करें अपनी एनर्जी। लेकिन वो कहने से नहीं होता, जिसको आदत है वो परेशान होगा ही। और हमें तो कोई कोई लोग कहते हैं क्योंकि आप परेशान नहीं होते इसलिए हम आपके लिए परेशान होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको परेशान होना तो होते रहिए, ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं। अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो, क्योंकि आप आए दरबार में बैठे, आप चाहते सत्य को, आपने क्या दोष हो सकता। कृपया अपने अंदर जान लीजिए कि आप हमारी नजरों में दोषी नहीं कतई। और दूसरी बात यह कि आप अपने को तो माफ कर दीजिए और दूसरों को भी एक सार माफ कर दीजिए, एक सार माफ, क्योंकि जो दूसरे हैं उनको माफ न करने से आप अपने को छल रहे हैं। माफ करें या न करें कुछ नहीं करते, क्या करते हैं आप कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आपके ये जो चक्र है आगे आगे पीछे में आपकी चैन में यू तंग बिल्कुल, इसमें से कुंडलिनी गुजर ही नहीं सकती। इसलिए एकदम से आप कह दीजिए कि हमने सबको माफ कर दिया, माफ मन में ऐसे खुल जाएगा और कुंडलिनी उसमें से गुजर जाए। सबको माफ कर, एक साल मतलब ये कि किसी को याद करने की जरूरत नहीं, वो भी एक साल तक किसी को याद मत करिए, बस एक साल का ये माँ मैंने सबको माफ कर, बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो मौत से घूम रहे हैं और आप अपने को ढूंढ रहे हैं, सबको आप माफ। फिर से मैं कहूंगी कि अपने प्रति प्रसन्न चित्त, किसी बात की कि पैर में जब जूते पहने हो तो उसे उतार थोड़ी देर। पहली बार तब अंग्रेजों से कहा कि भाई जूते उतार दो तो आधे आधे चलेंगे बाहर, तो सारे ऐसे वो जानते और समझदार। अच्छा में राइट लेफ्ट को अलग अलग कहते हैं, हिंदी में अलग कहते हैं, मैं अंग्रेजी में कहूं अपना राइट हैंड मेरी ओर, और सर झुका के लेफ्ट हैंड से बालों पर देखें कि कोई ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see if there is cold or hot, please coming out of your fontanel bone area with your left hand and the right hand towards me. Bend your head, please. देखिए, शक्का नहीं करने, थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के देखिए।
अगर गर्म ठंडी हवा आ रही है इसका मतलब है आपने अपने को भी माफ नहीं किया होगा और हो सकता है दूसरों को माफ नहीं किया, तो वो करिए। ऐसा नहीं सोचना कि ऐसे कैसे इतने जल्दी कैसे हो सकता है, हो ही सकता है, होता है और होएगा। आप लेफ्ट हैंड में योग, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी नाउ। अब सर झुका लें, प्लीज बेंड योर हेड और राइट हैंड से देखिए कि सबसे ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see with your right hand if there's a hot or a cool breeze like vibration coming out of your fontanel bone area. If they are hot, please forgive yourself and others. अगर गर्म हवा आ रही तो आप दूसरों को भी क्षमा करें और अपने को भी क्षमा करें मन में। अब राइट हैंड में लो, फिर से एक बार आप और सर को झुका और झुका करके सर को और फिर से लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर से ठंडी या गर्म हवा चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या। इसको आदि शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ऐसे कहा। नाउ प्लीज वॉच विथ योर लेफ्ट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर फॉन्टेनेल बोन एरिया, देयर इज अ हॉट और अ कोल्ड breeze coming out of your fontanel bone area and put your right hand towards me. हाथ चाहे जरा आगे पीछे घुमा के देखिए। ना आप दोनों हाथ आकाश की और सर भी आकाश की और इन तीन प्रश्नों में से कोई सा भी एक प्रश्न तीन बार पूछे। पहला सवाल, माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? दूसरा सवाल, माँ ये क्या परम चैतन्य है? तीसरा सवाल, क्या माँ ये रूह है? इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न आप तीन बार पूछे। प्लीज रेज योर हैंड्स टुवर्ड्स द स्काई एंड पुट योर हेड अप एंड आस्क क्वेश्चन थ्री टाइम्स आउट ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चंस आई टेल यू। मदर इस इज द कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट। मदर This is the divine love. Mother, this is the Parama Chaitanya. Ask any one of these questions, three times. Ab aap niche kar lijiye. Please put down your hands. Now, aap jis jis ke हाथ में अपनी उंगलियों में या सबसे ठंडी या गर्म हवा आ रही हो वो सब लोग हाथ ऊपर करें और दोस्त वर गेटिंग कूल ब्रीज इन बोथ द हैंड्स और ऑन योर फिंगर टिप्स आउट ऑफ ऑल्टरनेट बोन। प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज। अनंत आशीर्वाद है सारे के सारे आप संत हो गए। बड़ा कमाल। अब आपको सिर्फ याद रखना है कि सहयोग का कार्य आज अकेले घर में नहीं हो सकता, इसमें सामूहिक में आना जरूरी, क्योंकि ये सामूहिक कार्य, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है।
और सामूहिक में आने से ही आपकी बुद्धि होगी और कोई इसका तरीका नहीं। हो सकता है एक दो आदमी अजीब सजीब आपको मिल जाए जो कि सबके लिए दरवाजा खुला है, पर सब लोग ठीक हो जाते, सब लोग ठीक हो जाते, बीमारियां ठीक हो जाती। तो इसलिए कृपया आप लोग सामूहिकता में आए और अपने आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को स्थिर कर लें और इसके कमाल में